फ्रांस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तौहीन हुई, बेंगलोर में किसी बच्चे ने तौहीन कर दी, हम सब जोश में आ गए, हम जोश में आ गए, तौहीन हो रही है, तौहीन हो रही है। मेरे नौजवान, मुझे बता, क्या तू इस्लाम की तौहीन नहीं कर रहा? क्या तू खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं कर रहा? क्या तू कुरान मजीद की तौहीन नहीं कर रहा? तुझे कुरान पढ़ना आता है? तुझे कुरान के माने मालूम है? कुरान मजीद कितने दिनों में एक बार तू छूता है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तूने पढ़ी है? कहते हो गलत है, गलत है, बता तो गलत कहां है? क्या तेरे किरदार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है? तेरे बाल किसी फुटबॉलर की तरह कड़े हैं? तेरे बाल किसी फुटबॉलर की तरह, किसी क्रिकेटर की तरह हैं? तेरा लिबास किसी नाचने वाले की तरह है? तेरी नमाजें सुस्तर मुनाफिक की तरह है? तेरी चाल ढाल मुसलमान जैसी नहीं है? फिर भी तू कहता है कि इस्लाम का मजाक है, फिर भी तू कहता है कि दीन का मजाक है। जरा सोचो, बताओ, जरा बताइए, क्या आपने सीरत पढ़ी है? हम खड़े होते हैं कि दीन का मजाक, दीन का मजाक, दीन का मजाक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक। तुम खुद मजाक उड़ा रहे हो। तुमने इस्लामी तालीमात को सीखना छोड़ दिया। तुम्हारे घर में अकीदे की तालीम नहीं है। तुम्हारे घर में तस्वीरें लगती हैं, तुम्हारे घर में नारियल पत्थर लटकते हैं, तुम्हारे घरों में तावीजें लटकती हैं, तुम्हारी लड़कियां बेनकाब घूमती हैं, हर किसी से चैट करती हैं। तुम कहते हो दूसरों का, कहते हो कि दूसरे मजाक उड़ा रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो मेरे प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? क्या नस्ल तुम तैयार करोगे, क्या नस्ल तुम तैयार करोगे? सबक ये देना चाहता हूं कि तहिया कर लो आज से कि मैं इस्लाम की गुस्ताखी नहीं करूंगा, कुरान मजीद की गुस्ताखी नहीं करूंगा। ये मेहराब में नहीं रहेंगे, ये मेरे सीने में रहेंगे, मेरे अमल में रहेगा कुरान, मेरे किरदार में रहेगा कुरान, मैं सीरत पढ़ूंगा। अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं पढ़ी, उनकी सुन्नत को नहीं अपनाया, तुमसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाला और कोई नहीं है, कोई नहीं है तुमसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाला। पढ़ो सीरत रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा को पढ़ो, अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल की जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाओ। बताओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? ये हमारे आबा व अजदाद हैं, ये हमारा फख्र है, ये हमारा शर्फ है। इसे पढ़ाओ, इसे पढ़ाओ, इन्हें मुसलमान बनाओ, वरना तुम्हारी कब्र पर आकर हाथ उठाकर दुआ करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। भेज दिया इंजीनियर बना करके, भेज दिया आपने डॉक्टर बना के यूरोप में, क्या वो आपके लिए दुआ करेगा? मुसलमान बनाइए, सही मुसलमान बनिए, सही मुसलमान बनाइए, अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, दीनी तालीम सीखिए, सिखाइए। और याद रखिए, ज़बान अल्लाह की नेमत है, जिस अल्लाह ने आज बोलने की ताकत दी है, कल अल्लाह उसी ज़बान को बंद कर देगा, उसी ज़बान को बंद करेगा। अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना दीजिए, ऐसी बात ना कहिए जिससे कुफर हो, ऐसी बात ना कहिए जिससे किसी और को तकलीफ हो। और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।